यार, जो जल्दी भागेगा वही जीतेगा, इट इज द रेस। बी ऑप्शन सही है। आता सबको है, सब पढ़ लिख के गए हैं, सब पढ़ाई लिखाई किए हैं, लेकिन जो टॉपर है और जो सबसे लास्ट वाला है, उन दोनों के क्वेश्चन करने के में डिफरेंस होता है। बॉडी ऑफ मास एम अटैच टू द लोअर स्प्रिंग, मुझे स्प्रिंग एंड इज फिक्स्ड। चलो, एक स्प्रिंग लेता हूँ मैं, इससे एक मास अटैच करता हूँ और एम, और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के लू लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्प्रिंग नेग्लिजिबल मास का है, बहुत अच्छी बात, नहीं बताया जाता तभी भी मैं लेता। व्हेन द एम इज स्लाइटली पुल डाउन एंड रिलीज्ड, ऑसिलेट 3 सेकेंड टाइम पीरियड। अब इसको खींचो, इसको पकड़ के खींचो और उसके बाद ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसका टाइम पीरियड 3 सेकेंड, ऐसा ये क्वेश्चन में बता रहे हैं। कहता है मास एम इंक्रीज बाय 1 kg, जो पहले एम था उसको मैंने एम प्लस वन कर दिया, तो टाइम पीरियड हो गया 5 सेकेंड। तो एक्चुअल मास कितना था उसको हमें निकालना है। ये मास एम था, टाइम पीरियड टी डैश 5 सेकेंड हो गया, तो मास एम डैश इक्वल टू एम प्लस वन हो गया। तो ये हमें एम की कैलकुलेशन करनी है। आसान क्वेश्चन है, इसको मैं आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूँ। पहला कंडीशन मास एम था, टाइम पीरियड 3 था, दूसरा टाइम पीरियड 5 सेकेंड हुआ, मास 1 kg बढ़ा दिए। तो स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड 2πm/k होता है, सारी दुनिया को पता है। ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होती है, या मोर प्रिसाइज कोई कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लगे तो ये टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दो, तो ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होती है। वैक्यूम में रख दो तभी भी इतने से ऑसिलेट करेगा। तो चलो, ये जो टाइम पीरियड है, अब वो मास से कैसे रिलेटेड है, 2π यूनिवर्सल कांस्टेंट है, के भी स्प्रिंग का कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अंडर रूट। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू एम प्लस वन और एम अंडर रूट, और टी डैश 5/3 एंड एम प्लस वन और एम, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 25/9 इज इक्वल टू एम प्लस वन अपॉन एम, मतलब 25m, 9m और प्लस 9। इसका मतलब ये हुआ कि 16m अपॉन इज इक्वल टू 9, मतलब m की वैल्यू आ जाएगी वो 9/16 kg।